इन दिनों नवादा का गोवर्धन मंदिर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मंदिर की चर्चाएं जिले के साथ साथ क्षेत्रीय जिलों में भी की जा रही है। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में कराया गया है, जो बेहद ही भव्य और आकर्षक है। मंदिर परिसर में एक नहीं बल्कि तीन मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें संकट मोचन हनुमान जी, प्रेम बरसाने वाले राधा कृष्णा जी और अवहरदानी शंकर जी की मंदिर बनाई गई है। पुरानी मंदिर को तोड़कर नए और आकर्षक तरीके से बनाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्थानीय नेता व पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद यादव जी एवं उनके परिवार के द्वारा कराया गया है। आप देख सकते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट के साथ साथ जनसैलाब कलश यात्रा निकाला जाता है। जिले में इस प्रकार की शोभनीय और अकथनीय कलश यात्रा को देखकर लोग काफी खुश और चकित हुए। सभी लोगों ने इस प्रकार की शुभ कार्य कराने के लिए राजबल्लभ प्रसाद यादव जी एवं उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही लोगों का कहना है कि हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है, जो हमारा जिला में इतना भव्य और आकर्षक मंदिर का निर्माण कराया गया है। लोग राजबल्लभ प्रसाद यादव जी एवं उनके परिवारों के प्रति ऐसा शुभ और अलौकिक कार्य कराने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। 3 फरवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद मंदिर को खोल दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का जो है जनसैलाब काफी मात्रा में देखने को मिलता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कितना भारी में भक्त पहुंचते हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। Thank you.
हालांकि वीडियो को जो है पहले ही लोग वायरल कर चुके हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।